बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम लेकर आए आपके लिए अचार गोश्त की रेसिपी। चिकन का अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने ली चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, अचार गोश्त मसाला घर पर बनाया हमने, टमाटर, दही, हरी मिर्च, नींबू। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया, इसमें चिकन डालेंगे, इसको मिलाएंगे इस तरीके से, इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे तेल में इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अचार को मसाला डाला हमने जो घर पर बनाया था हमने, इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से, तो ये सब मिक्स हो जाए। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, हमने पहले इसको बना के पीस लिया था, इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से, तो ये सब मिक्स हो जाए। माशाल्लाह ये बहुत झटपट बनने वाली डिश है, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसमें हम दही डालेंगे, अब इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से, इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इसे 15 से 20 मिनट हम ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा अचार गोश्त तैयार होता है, जितना मिर्ची को काट कर मसाला भर लेते हैं इस तरीके से। अब हम नींबू काटेंगे इस तरीके से। अब हम नींबू को मसाले में डालेंगे, अच्छी तरह निचोड़ लें इसको। अब हम मिर्ची में मसाला भरेंगे इस तरीके से। हमने सारी मिर्ची मसाला भर दिया है इस तरीके से। अब हम कढ़ाई का ढक्कन डालेंगे, इसको मिलाएंगे इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी हम बुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम अचार गोश्त में हरी मिर्च डालेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से, तो ये सब मिक्स हो जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट दम पे रख देंगे इस तरीके से। 10 मिनट हो चुका है, अब इसका हम ढक्कन डालेंगे। माशाल्लाह हम इसको लाएंगे अच्छी तरीके से। मसाला हमारा चिकन का अचार गोश्त तैयार हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकालेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह हमारा चिकन का अचार गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम नई नई रेसिपी लाते रहें।